हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि YouTube चैनल में जो फ़ोटो हैं वो कैसे लगाया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि YouTube चैनल का जो लोगो है या उसका जो DP है उसे कैसे सेट किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाके आपको एक नया टैब ले लेना है। नया टैब लेने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है youtube.com और आप youtube.com को सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप YouTube की वेबसाइट को सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है इसलिए इसने मुझे अपना ID और पासवर्ड डालने के लिए नहीं कहा। लेकिन जब आप पहली बार YouTube की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो वो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल दीजिए। अब जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर 3 डॉट हैं, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट जो है उसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। अभी मैं डेस्कटॉप साइट पर आ चुका हूँ। हो सकता है कि आप YouTube के एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट हो जाएं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में जो वेबसाइट खुलती है उस तरह की वेबसाइट यहाँ पर खुल चुकी है। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से YouTube स्टूडियो में हम चले जाते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही YouTube स्टूडियो में जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर आप नीचे देखिए म्यूज़िक के ऊपर एक पेंसिल दिखाई दे रही है, उसके ऊपर कुछ स्टार्स हैं, तो ये कस्टमाइज़ करने का आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे ऊपर लिखा है लेआउट, लेआउट के पास में है ब्रांडिंग, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है पिक्चर, उसके बाद है बैनर और उसके बाद है वीडियो वाटरमार्क। तो हम हमारे चैनल का जो पिक्चर है उसे लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मेरा जो चैनल है उसका यहाँ पर कोई भी पिक्चर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको माई चैनल पे ले चलता हूँ, ये रहा योर चैनल। यहाँ पर इस चैनल पर आप देख सकते हैं कि अभी मोटिवेशन के आगे आगे सिर्फ M लिखा हुआ है, कोई भी लोगो नहीं है। तो यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ और चला जाता हूँ YouTube स्टूडियो में, और फिर से ये कस्टमाइज़ का जो आइकन है उसके ऊपर हम प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रांडिंग में जाएंगे और ये जो पिक्चर है, पिक्चर के नीचे यहाँ पर लिखा है अपलोड, तो यहाँ पर मैं एक फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे एक पिक्चर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं ब्राउज़ करता हूँ एल्बम, और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक लोगो बना रखा है, उस लोगो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से हम इसे डन कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो लोगो है यहाँ पर आ गया है। यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, ये यहाँ से पब्लिश हो गया। अब चलिए मैं आपको अपने चैनल पर ले जाता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे व्यू चैनल के अंदर और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लोगो है वो वहाँ पर आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर मैं इसे डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो लोगो लगाया वो यहाँ पर आ गया है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका YouTube से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।